गाइस, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो मैं अभी जा रही हूँ घर क्योंकि बहुत दिन हो चुका है, घर नहीं गया हुआ। तो चलिए मेरे साथ चलते जा रही हूँ। आई थिंक मम्मी ऊपर हो सकती है। तो गाइस मम्मी ऊपर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। चलो मिल गए गाइस फाइनली। वो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो बाबू को लेके। चलो चलो गाइस भाग के चलते, मम्मी तो नीचे है, नीचे पूरा बारी में कुछ तो कर रही है मम्मी। चलो 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 गाइस, डाला को भेज दिया उधर, नहीं तो ये पामी को काटेगा। पामी बेबी, मम्मी क्या कर रहे हैं देखो गाइस। तो ये हमारा खेत है, नीचे तक है, ये भी है। और मम्मी बाबू को लेके बैठे, दीदी का बेटा को। हेलो मम्मी, क्या कर रहे हो? लकड़ी काट रही हूँ। इसको खुट्टा संचो बस है ना। सो गाइस देखो हमारा पामी का यहाँ पे, देखो सामान दिखाई दे तो खुट्टा कुट्टा देखा नहीं। ये देखो गाइस दोनों पेड़ को ना, ओ ये पामी और हमारे गांव में एक भाभी है, दोनों खेल रहे थे। और फिर ये दोनों भाभी और पामी खेल रहे थे, फिर एक गाड़ी आके इसका दोनों पेड़ कीचल दिया था। और मैंने वहाँ पे को बाजार पे लेके इसका दवाई किया था, तो एक पेड़ तो ठीक हो गया, ज़्यादा चोट नहीं लगा था। एक पेड़ अभी ठीक नहीं है, तो अभी ठीक हो जाएगा आई थिंक। तीन पे तीनटा कुटा ले मतलब इंजॉय फिर मम्मी। सो ये तीन पेड़ से ही हिल रहा है अभी तक, क्योंकि एक पेड़ अभी ठीक नहीं हुआ है। आई थिंक वो हड्डी फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर ने बोला था अभी घाव जो है वो ठीक होने के बाद ही इसको मतलब प्लास्टर कर सकते हैं बोल के। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कब ठीक होगा, तब कर देंगे है ना। बैंडेज वगैरह बांधो तो ये चाट चाट के वो निकाल देता है, तो इम्पॉसिबल है, इसलिए नहीं बना है। सो गाइस मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, जो भी आप लोग गाड़ी चलाते हो, जो भी आप लोग बाइक चलाते हो, रास्ते में जब गांव आता है या फिर स्कूल सामने है कुछ भी है, तो थोड़ा धीरे से चलाना, क्योंकि डॉग होता है, कैट होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं है ना, तो थोड़ा रिस्क होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग ध्यान देना। तो ये देखो गाइस ग्रीन पूरा हरियाली है। तो मम्मी को देखो भाई यहाँ पे वो बकरी को घास खिला के ये जो बचता है ये पूरा बोतल रहे लकड़ी से क्या बालने के लिए, आग जलाने के लिए। मेरे गोलू मेरे को देख रहा है, आया आग जलाने। आये आज तो बेबी आज तो कालू आइए भी बन जाओ गाइस। ये मेरा अंता दीदी का बेटा है, बिल्कुल देखो अंता दीदी जैसा है ना, गोलू मोलू मोटू। सो गाइस अभी अभी शिशिर ऋतु लग चुका है, जो भी ये ग्रीन वगैरह आप लोग देख रहे हो, और फिर जहाँ पे भी वहाँ पे आप लोग रुख वगैरह देख रहे हो, ट्री वगैरह आई मीन वो पेड़ वगैरह, उन सब चीज़ों का पत्ता झड़ जाएगा। मतलब ये धरती पूरा नंगा हो जाएगा, क्योंकि बसंत ऋतु तो आ रहा है, उसको पालुआ भरना है ना इसलिए। सो तो चलिए आप लोगों को अभी जो काम हो रहा है वो दिखाती हूँ है ना। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये है, ये है चल्ला के लिए खोर बन रहा है, हम खोर बोलते हैं। तो अभी ये हमारा सुमन और एक भांजा है, और वो दोनों मिलके काम करने वाले हैं। ये भांजा, ये भांजा भांजा, हेलो भांजा, हेलो ये भांजा काम करेंगे। ये देखो हमारे सुमन को, सुमन दिखा दे, देते है ना, ये देखो गाइस इधर है ना, ए देखो कितना मोटा हो गया हमारा सुमन। और सुमन और भांजा का काम दिखाती हूँ आप लोगों को। हेलो हेलो हेलो,
बैठे हैं। देखो ये मल बस ट्राई करने के लिए, ये सब हमारा भांजा, ऐसा देखो भांजा ने कितना अच्छे से किया है। ये भांजा को थैंक यू बोलो दोस्तों। गाइस मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, यहाँ पे स्विमिंग पूल सुबह नहाएगा ये स्विमिंग पूल अंडा सुबह नहाएंगे। देखा ये देखो सुमन ये अंडा खा खा के ये अंडा जैसा हो गया। तो गाइस यहाँ पे मैं सुमन का फेवरेट चीज दिखा रही हूँ, सुमन का बच्चा कति भयो 2 वर्ष। गाइस ये ये सागर लोग जब इधर बैठते थे सागर अक्षय लोग, तब लिया था सुमन ने इसको बरखा में। ये हो गया 2 इयर्स इसको लिया हुआ। कंचू ये इसको नाम क्या सुमन ताइले के नाम रखा है ना गाइस, इसका नाम ही नहीं रखा, ये लड़का है लड़की है ये भी नहीं पता। आप लोग बता दो भाई इसका नाम क्या रखना है, ठीक है। तो गाइस आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हो ये इसको हम बोलते हैं बर्शिम, तो आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। और ये बकरी गाय भैंस और चल्ला सब लोग खाते हैं, ठीक है। ज़्यादा खाने से डायरिया होता है, थोड़ा खाते हैं। और गाइस इस घास का खासियत ये है कि आप लोग इसको काटते काटते जाओगे ना फिर से ये वापस यहाँ से उगते उगते आ जाएगा, मतलब वो साइकिल इसका चलता रहेगा वो चेन। तो चलो मैं ट्राई करती हूँ, मेरे को बहुत मज़ा लगता है घास काटने में, मतलब पहले ही बहुत काटा करती थी, अभी तो नहीं काटा है बहुत साल हो गया। तो चलो 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 डर लाओ था ओए मैं तो भूल गई आई डाला इन दोनों का कौन मेरे साथ बैठे, उस चीज का कंपटीशन होता है। ये पमी भी मेरे साथ बैठना चाहता है, डल्ले भी मेरे साथ बैठना चाहता है, और दोनों झगड़ते हैं। क्या ही बोलो, चलो गाइस तो कितना घास हो गया। तो गाइस पहले ना ऐसा घर में ही घास नहीं होता था, तो वो डोको होता है, वो डोको लेके यहाँ पे पूरा बो के पीछे बो के बहुत दूर उधर जहाँ घर दिख रहा है थोड़ा वहाँ पे जाया करते थे, और दूसरे के खेतों से चुराया करते थे। ये देखो डोको, ऐसा ही डोको लेके आजा घसर ना को ना काटा मारती हूँ। तो मैं बाबू को दे के आती हूँ, ठीक है। ये मेरे को भी मुश्किल लग रहा है बाबू, अब कैसे ये दोनों मेरे पीछे पीछे आएंगे। ऐसे हो गया, ठीक है। चलो ऐसे करके डालना पड़ता है। एक बार क्या हुआ था, एक चौधरी चाचा थे, हम उधर बहुत दूर गए थे, ठीक है। एक ये डोको भर लिया था घास से, और वो चौधरी चाचा आ गए वो रांगा लेके, रांगा मतलब भैंस का पति पता नहीं क्या बोलते उसको, मेल भैंस। और भाई वो भैंस को उधर छोड़ दिया है रोड में, इससे लखट्टा हमें भाई इतना भगाया भाई, हमारा तो सारा घास लेके चले गए क्या भाई, वो अभी तक याद आता है। और मेरे दोस्त 2-3 दोस्त भी थे, कोई तो हमें तो पकड़ लिया और हमारा घास ले लिया, और वो मेरी एक दोस्त थी उसका मम्मी और वो चौधरी चाचा का फाइट हो गया भाई, क्या ही बोलूँ, ऐसा होता था बहुत होता था, मजा भी उसी लाइफ में मेरे को ऐसा बहुत मस्त लगता है गाइस। चलो देखो घर में घास,
दूर जाना नहीं चाहिए। पहले तो हम कितना दूर जाते थे भाई, दूसरों का घास चोरो, मार का गाली खाओ, और मूली होता है ना, मूली चुरा चुरा के खाओ। मत चोर मत बोलना ठीक है, ऐसे बचपन में बड़े होके नहीं। अगर घास ऐसे सोया हुआ है ना तो ऐसा करो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मेरे को अभी आ गया, देखो अभी आ गया मेरे को, देखो आ गया, आ गया। तो दोस्तों अभी मैं ये घास को लेके जाती हूँ घर में, ठीक है, लेट से मैं भोग पाती हूँ कि नहीं, लाइक करो गाइस इसी बात पे ना, ओए धकल नहीं हो तो। मैं घर अक्सर रिफ्रेशमेंट के लिए आती हूँ, तो आज भी मैं बहुत बोर लग गया था बहुत दिनों से रूम में बैठ के, तो मैं रिफ्रेशमेंट के लिए आ गई थी और मेरे तो बहुत मज़ा आया, बहुत फ्रेश हो गई मैं। आई थिंक आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, तो आप लोगों को भी कभी कभी ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है, ब्रेक लेना चाहिए और ऐसे जगह में जाना चाहिए। तो अभी मैं घर जाती हूँ, वहीं पर मिलते हैं।